पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021, यानी कि दोस्तों वैसे छात्र एवं छात्राएं जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे चुके हैं उनका लिस्ट यहां पर जारी हो चुका है। सो आप यहां पर देखते हैं, मैं आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए दिखा रहा हूं। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी क्लास के छात्र हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन दे चुके हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका लिस्ट में यहाँ पर नाम आना आवश्यक है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपका पैसा यहाँ से नहीं मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे अगर आप आवेदन दे चुके हैं। अगर आप आवेदन नहीं दिए हैं तो आपका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगे, उसके बाद गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करने से पहले आपको यहाँ पर मिलता है 3 डॉट का ऑप्शन। सो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में इनेबल करना है। अगर आप यहाँ पर टिक नहीं लगा है तो टिक कर लेंगे। उसके बाद आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है PMS ऑनलाइन, इस तरह से टाइप करके सर्च करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको ये जो ऑफिशियल साइट का लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पेज है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, जो आप यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिख जाएगा लिस्ट ऑफ फाइनलाइज्ड स्टूडेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इसमें आवेदन दे चुके हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पर आएगा। तब जब ये सारा डिटेल्स आप फिल करते हैं, तो डिटेल्स फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना, जिस राज्य में भी आपका इंस्टीट्यूट है यानी कॉलेज है। सेलेक्ट करने के बाद उस राज्य में आप किस ज़िले के से हैं, किस ज़िले में आपका इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम क्या है जहाँ पर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाए हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, इजीली क्लिक करके देखते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाना अपने स्कूल कॉलेज से। तो डायरेक्टली आपको उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो मैं यहाँ पर किसी एक कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर देखते हैं, मैं किसी एक कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने उस कॉलेज में अभी तक जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं स्कॉलरशिप के लिए उन तमाम छात्रों का यहां पर लिस्ट आ जाएगा। सो आप यहां पर देखते हैं, इसमें आप अपना नाम कैसे देखेंगे। तो नाम देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको अल्फ़ाबेट सेट किया गया है। दोस्तों ए वाले जो भी स्टूडेंट है वो सारे न्यूमेरिकल आपको सीधे दिख जाएंगे। सो आप यहाँ पर देखते हैं, टोटल स्टूडेंट ए वाले हैं। सो आप यहाँ पर देखते हैं, अब आपको बी वाले में कैसे चलना है। अगर आपका नाम बी से आता है तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको 1, 2, 3 करके यहाँ पर सारे पेज दिए गए हैं। इजीली क्लिक करेंगे बारीकी से दूसरे पेज पर तो आपको बी वाले स्टूडेंट भी आ जाएंगे, अगर आपको बी वाले स्टूडेंट में आपका नाम है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, फिर भी आप यहाँ पर ए का ही नाम आ रहा है। तो डायरेक्टली मैं आपको 1-2 पेज बाद ले जाता हूँ। सो आप यहाँ पर देखते हैं, बी स्टूडेंट का भी यहाँ पर नाम कुछ दिया गया। तो इस तरह से अपना नाम यहाँ पर खोजकर देखकर अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। अगर आप उन्हें ऑनलाइन आवेदन स्कॉलरशिप के लिए किया है तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इस तरह के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर देंगे। अब आपको मैं यहाँ से बताता हूँ कि अगर आपको मोबाइल आधार नंबर या दोस्तों मोबाइल नंबर से चेक करना तो वो कैसे चेक करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, सो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट ऑप्शन का, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सर्च बाय 3 कैरेक्टर, आप 3 कैरेक्टर नाम देकर भी सर्च कर सकते हैं। उससे बेटर आपको होगा आधार नंबर या मोबाइल नंबर देकर सर्च करना। तो मैं आपको आधार नंबर से सर्च करके आपको दिखाता हूं। तो आधार नंबर सर्च करने के लिए मोबाइल को इस तरह से नहीं, आप जिस तरह से मोबाइल चलाते हैं दैनिक चार्ज में तो उस तरह से मोबाइल आपको रखना है, तो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। मोबाइल नंबर और आधार नंबर से चेक करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा। सो आप यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद उस जिले में आपका कॉलेज कौन सा है इस पर क्लिक करके उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सो आप यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्च ऑप्शन में आपको मिल रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन, जहाँ पर आप 3 कैरेक्टर नाम देकर भी सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर देकर, मोबाइल नंबर, बेटर होगा आपको आधार नंबर देना। तो मैंने यहाँ से आधार नंबर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा। सो आप यहाँ पर देखते हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको आधार नंबर फिल करके सर्च करके आपको दिखाता हूँ।
आधार नंबर फिल करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने उस स्टूडेंट का जिसका भी आप आधार नंबर फिल के वो रिकॉर्ड आप यहां पर देखते हैं आ गया है। यानी कि दोस्तों अगर आपका भी इस तरह से रिकॉर्ड आ रहा है तो आपका यहां से पैसा मिलने वाला है। फिलहाल अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन ऑल पर प्रेस करते हैं। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे अभी ही वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।